ये हर रोज़ देखा जाता भी जिदा जिदा इतने धरने लगे हुए है जेडे उन्होंने धरनिया इतों पट्ट भी बहुत कोशिशें की गई हैं। बहुत सुनने मिलता भी उत्थे जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है भी उतो जे किसान वापस आ रहे हैं, पर देखे भी उदा ही जोड़े नौजवान डटे हुए है, उदा ही साढ़े बजुर्ग जोड़े डटे हुए है। ममता बैनर्जी जी जित हुई है वो एक चीज़ साबित होगी भी मोदी का हूँ अंत होना, जो पहला पड़ा वो हो चुका है तो अगे अगे अंत होना ही शुरू आ। इस कौम में जदों भी किसी ने बिगाड़िया तो इन्होंने कदे कोई बख्शा नहीं है। जे एक किसान है किसान के नाल ही सब कुछ आ, हुण तां जमीना ने हुण जमीना अपनी खत्म कर दियां, आने वाले समय के जे इदा ही चलता जे हुण आपां वेला ना संभिया तो आने वाले समय के अपनियां नस्लां खत्म हो जाणगियां। उन्होंने लॉकडाउन तां लाता, वो गरीब जिहड़ी जिन्हें सवेरे जिन्नी पैसे कमाने आ शाम नूं अपने बच्चों के मूँह के ढेड के चोगा पाउणा, वो इंसान अज के टाइम के कित्थे जाऊगा। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर दर्शकों। तुहानू पता कि लगातार दिल्ली दी बरूहां ते किसान डटे हुए हैं, किसानी अंदोलन कर रहे हैं। उत्थे ही असी पिंडा पिंडा की गल करते हैं, पंजाब की गल करते हैं, तो कई इदां दे क्लब भी ने जिन्होंने पूरा इस किसानी अंदोलन अपना समर्थन दिता ते अपनियां सेवावां भी जारी रखियां। नौजवानों की गल करते हैं, नौजवानों वालों भी कई क्लब बनाए गए हैं। तो अज NRI की गल करते, NRI वीर भी इस किसानी अंदोलन के अपना योगदान पा रहे हैं। साढ़े ना कुछ NRI वीर ते पिंड दे नंबरदार जी भी इत्थे मौजूद आ, इन्हां वल्लों क्लब वालों जिहड़ियां सेवावां इत्थे अज निभाईयां जा रहियां। हालांकि लॉकडाउन भी हो चुका है, कई प्रशासन वालों भी रोकां लाईयां गईयां ने, पर फिर भी निरंतरन इत्थे सेवावां जिहड़ियां उह जारी ने। गलबात करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। की नाम है जी तुहाडा? मनजीत सिंह, नंबरदार पिंड अजरौर जी। इह जिहड़ा क्लब तुसीं बनाया होया, की नाम है इस क्लब दा ते कित्थे कित्थे सेवावां? इह साडे बाबा मक्खण शाह लुबाणा यूथ स्पोर्ट्स क्लब पिंड अजरौर, जो NRI वीरां वल्लों चलाया जा रहा। इस क्लब वल्लों बहुत वड्डा उपराला, जदों दा साडा सिंघू बॉर्डर ते धरना लग्गिया, इन्हां वल्लों वार वार सानू वित्तीय सहायता, जो भी समान की सहायता, दुध की, पानी की, अज भी दुध का ट्रक ते पानी का इन्हां वल्लों पहुँचाया जा रहा। दूजा मेरी सारयां नूं अपील है कि जिमें यह साडा क्लब मेहनत कर रहा, सारयां नूं अगे आ के मेहनत करनी चाहिए है। मैं फिर दोबारे साडे वीरां दा धन्नवाद करदा जो साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े ने। मैं तुहानूं एक होर जानकारी दे देनी चाहुंदा कि साडा पिंड अजरौर इन्हां NRI वीरां वल्लों बाबा मक्खण शाह स्पोर्ट्स क्लब वालों पटियाले जिले चों साडा पहला पिंड है जिथे एक बहुत ही वधिया नवी तकनीकां दे नाल इन्हां वल्लों अथलैटिक्स का ग्राउंड तैयार किया गया 200 मीटर का, जिदे ते हर सहूलत नवी तकनीक नाल तैयार की गई है। उन्होंने भी असी इस गलों धन्नवाद करते हैं, तो धन्नवाद करते हैं जिहड़े लॉकडाउन के विच साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े हैं, क्योंकि ये किसानी संघर्ष है जिहड़ा सरकार वालों सानू उखेड़न की कोशिश की गई। लोगों वालों झूठा प्रचार किया गया BJP वालों कि थोड़े नालों NRI भज गए, थोड़े नालों नौजवान भज गए, पर मैं दस देनी चाहुंदा कि इत्थे ना ही NRI घटे हैं ना ही नौजवान घटे हैं। नंबरदार साहब, जिस हिसाब नाल असीं देख रहे तुसीं अजरौर तो है कि पटियाला की गल करते हैं, तो उत्थे भी किसानी अंदोलन चल रहा, उत्थे भी कई ट्रैक्टर मार्च किए गए हैं जिहड़ा कि मोती बाग घेरन भी गए ने किसान, तो की लगता कि उत्थे भी कोई किसानों पर लाठीचार्ज या कोई उन्होंने पुलिस प्रशासन ने तंग वगैरह किया? उन्होंने जो लाठीचार्ज होया असी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि किसानी के जो मसले हैं पहला तो किसान चुप चाप सह लेंदे सी, पर लेकिन अज तुसी जिमें असी पहला कहिंदे सी कि भगत सिंह दे चाचा जी ने 1907 दे विच लहर चलाई सी, ये समझो ये उही लहर है। इहदे रिजल्ट आउणगे, बहुत देर बाद आउणगे, क्योंकि रिजल्ट आउणगे इहदे, जिमें पहला असी 1907 तो 47 जाके आजादी प्राप्त करी है, पर हुण 40 साल तो नहीं लगणगे, टाइम तो लगेगा थोड़ा, क्योंकि यह अंदोलन है जिहड़ा ये देश नूं भ्रिष्टाचार तो मुक्त कराउण वास्ते, नौजवानी नूं सही रस्ते ते पाउण वास्ते जो इन्हां वल्लों करिया उहनूं मुक्त कराएगा, क्योंकि अंदोलन बहुत वड्डियां पैणां छड्ड के जाएगा अपने। दर्शकों, साडे नाल कबड्डी कमेंटर भी मौजूद आ जिहड़े कि पटियाला तो हैगे ने, तो अज तुसीं देख सकदे हो कि मल्ला मार रहे ने कबड्डी दे गेमां दे विच, ते इस किसानी अंदोलन च भी योगदान पा रहे ने। गलबात करांगे इन्हां नाल भी। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब, मेरा नाम जी अपना गुरविंदर घनौर, सो पिंड मेरा जरावर आ जिला पटियाले दे विच। सो पंजाब न्यूज़ चैनल दे राही जिन्हें भी वीर जुड़े हैं मैं सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल बुलाउंदा। गुरविंदर जी,
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਪਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਖੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੋਧੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੱਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ ਬਾਕੀ ਐਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੌਮ ਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਉਹ
ये सुन के मैं उन्होंने एक दसना चाहना भी ये लड़ाई कल किसान की नहीं हैगी जेडे घर के रोटी पकती है तवे उत्ते ठीक है जिन्हों के कोल जमीर आ जमीर जागती है वो लड़ाई है क्योंकि जेडे जमीन वाले वो जमीन वाले की लड़ाई नहीं कह सकते जे एक किसान है किसान के नाल ही सब कुछ आ जे किसान नहीं है तो आप अगे अगे आने वाले समय के हूँ तो जमीन ने हूँ जमीन अपन खत्म करती आने वाले समय के जे इदा ही चलता जे हूँ आप वेला ना संभ्या तो आने वाले समय के अपन नस्लों खत्म हो जाएगी जो लॉकडाउन लगाया गया कि लगता इस किसानी अंदोलन का भी असर पे जिहड़ा लॉकडाउन लाया गया मैडम जी इस किसानी अंदोलन से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पिया लगातार मुंडे नौजवान भरा जिहड़े डट के जथे बना के पिंडां तों इत्थे आ रहे आ दिल्ली ना किसी तरह की उन्होंने रोकया आओ तो तुहानूं पता ही आ मुश्किलां तां आउंदियां ही आ मुंडे नूं आउंदे होए पर उन्होंने अपनी जिहड़ी हिम्मत नहीं छड्डी वह आंदे वह आखदे आ भी जिन्ना भी सानूं जिन्ना भी संघर्ष करना पवे भी जिथे साडे मावां बैठियां सी जिथे साडे बजुर्ग बैठे आ असी उत्थे सानूं किते भी रस्ते भावें जिन्नी मुश्किल आवे भावें राह दे विच कंडे कच्च तुसीं वेख्या ही आ जदों धरना लग्गिया किन्ने कदे लोहे दीआं किल्लां लाउणियां कदे बैरीकेटर लाउणे वह नहीं उन्होंने अपना चक के फिर अगे इत्थे तक पहुँच गया हुण तां तुहानूं पता ही तां निक्के निक्के जिहड़ियां मुश्किल रह गई पर आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है थोनों की लगता सी लॉकडाउन लगना चाहिए सी जे करोना है सी तां उहदा इलाज किया जाना मैम सही है ये इलाज करोना मैं तो कहना नहीं करोना की है जिथे इन्हां दीआं रैलियां होंदियां ने उत्थे करोना कित्थे जांदा हुण जिहड़ा ये अपना की कहिंदे आ लाया लॉकडाउन मैं पुछना चाहुंदा भी लॉकडाउन जिहड़ा लाया एक आम इंसान जिन्हें सवेरे जिन्नी पैसे कमाने शाम को अपने बच्चों के मूँह के ढिड के चौगा पाना वो इंसान अज के टाइम के कित्थे जाऊगा क्योंकि जिन्हें 300 रुपया दिहाड़ी ला के जाके काम करना हाथ में उही आटा लेके आना उही चीनी लेके आनी है तो उस ही अपने परिवार का पालन पोषण करना उन्होंने लॉकडाउन तो लाता वो गरीब जी अपने वीर आ साडे साडे अपने अपने वीर भाई है उन्होंने बारे तो माड़ा मोटा सोचना चाहिए है गरीब तबका जिहड़ा कि पहला भी करोना नाल तां नहीं भुख नाल मरिया सीगा अज फिर उसे रस्ते ते दोबारा वो अपने प्रवासी मजदूरों घरां नूं जा रहे ने लेबर भी घटती जा रही है इस चीज़ को किस तरह देखते हैं मैम वो लगातार थोनों पता ही है जिदा जिदा ये काम सारे बंद हो गए अपना की कहें सारे कामों तो बेरोजगार मुंडे हो गए पर जिहड़ा ये लॉकडाउन लाया असी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बड़ी निंदा करते हैं ये गलत आ सारा सारे सरकारां वास्ते बहुत ज़्यादा गलत काम किया उन्होंने क्योंकि नौजवान मुंडे घर हूँ वेले आ उही गल दुबारे मुड़ मुड़ के आ जाती है भी अपना एक गरीब परिवार अपना नहीं गुजारा कर सकता उस चीज़ के नाल वीर जी जिस हिसाब न अज मक्खन शाह लुबाणा क्लब वालों सेवावान जी की गई कि लगातार निरंतर जारी रहनगिया जो लॉकडाउन होंगे भी है तो बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जिस दिन का यह संघर्ष शुरू होया उस दिन तो सानू इन्हां वालों पूरा सहयोग दिता जा रहा नौजवानों वालों अगे भी दिता जाता रहेगा वीर जी की कहोगे तुसीं भी बाहरों आए होगे तो हुण किसानी अंदोलन किस तरह देख असीं तो यह देखे इत्थे आ गई लोगों को सुनते सी उत्थे के कोई कह रहा उत्थे लोग घट गए अंदोलन खत्म होने कगार से है पर इतने आके देखा अंदोलन का चिड़ती कला च पहले नालों भी ज़्यादा जी यदा उपर होर उपर जा रहा ना कि घटता जा रहा जी जिस हिसाब ने कहा जा रहा है कि सपोर्ट घटती जा रही है बाहर विदेशों तो लगता कि वो सपोर्ट घटी है या वधी है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल झूठ है जी सपोर्ट सगो वध रही है अगे नालों घटी नहीं है जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सो दर्शकों तुसी देखिया कि किस तरह वीर अज लगातार इतने सहयोग कर रहे हैं साढ़े नाल एक वीर है सुखजीत सिंह विच जिस हिसाब नाल तुसी नौजवानों नूं मोटीवेट करके इस किसानी अंदोलन च रह के दूजे पास कह रहे हैं कि नौजवान इतने घरते जा रहे नौजवान निराश ने इतने किसानी अंदोलन च आना नहीं चाहते देखो हुण जिहड़ा नौजवानी दा घटण दा कारण है एक तो खेती है ठीक है हर एक ने काम करना अपने खेतीबाड़ी सांभनी है हुण सीजन खत्म होएगा इधर नूं आपे ही चल पैणगे ठीक है असी प्रोग्राम की भी वेट करते हैं क्योंकि बैठने नाल भी किहड़ा असर पै रहा देखो प्रोग्राम की तो चलो वह तो पहला रखा सीगा वह कैंसल करना पै गया जिहड़ा करोना करके सिस्टम चलिया सीगा उहदे करके उन्होंने शायद कैंसल किया क्योंकि देखो बीमारी तो देखो है ही है ठीक है उन्होंने आप उदे तो मुनकर हो ही नहीं सकते ठीक है वह वधी इस करके है क्योंकि उन्होंने को जोड़े सरकारी तंत्र है फेल होया पै अज तो भी एंबूलेंस दिन च लंघ दियां ने ठीक है वो सारिया हूँ पंजाब वालों इधर हरियाणा वालों जा रही ने दिल्ली जो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पूरी हो रही उत्थे तो इस करके तो आप मुनकर नहीं हो सकता वो करके प्रोग्राम कितने डिले किया है तो जो ही ये स्थिति थोड़ी जी कंट्रोल च होएगी तो प्रोग्राम दोबारा दिता जाएगा ऑक्सीजन की वाकया कमी हो रही है या जमाखोरी हो रही है देखो जमाखोरी तो सारे पता ही है कि जेड़ा भी कुछ हैगा
चाहे वह अज जमीना ने कारपोरेट घराणिया के हाथों से जाने सारा कुछ पहले उन्होंने ऑक्सीजन वाला वो भी उन्होंने प्लांट ने बड़े बड़े आम बंदे तो है नहीं गए कई ऑक्सीजन के टैंकर लाइन से स्टिकर ला के भेजे गए बिल्कुल जी वह एक दिन न्यूज़ च भी असं देखा सी भी मुकेश अंबानी का बयान आया सगा कहता मैं पता नहीं किन्ने टन याद नहीं मेरे भी ऑक्सीजन भेज रहा मैं चार स्टेटा मध्य प्रदेश है गुजरात है महाराष्ट्र है उधर देटा कहता मैं भेज रहा ठीक है वह तो है ही उन्होंने को ही है जे कल अनाज भी उन्होंने को चला गया खेती भी उन्होंने को चली गई तो पिछे रहना ही कुछ नहीं जेडे अज ऑक्सीजन तो मर रहे लोग तो कल भुख नाल भी मरन गए दर्शकों तुम देख सकते हो कि जो कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण किसानी अंदोलन से फर्क पै रहा तो तुम आप एक मिसाल देख सकते हो कि नौजवानों वालों उ ही उत्साह दोबारा इस किसानी अंदोलन के दिखाया जा रहा है सेवावान की गल करते हैं तो सेवावान भी उस तरह किसानी अंदोलन च निरंतर जारी ने सो बने रहो पंजाब न्यूज़ लगातार तुम्हें इसी तरह किसानी अंदोलन के रंग दिखाते रहेंगे तद तक इजाजत दो धन्यवाद।